फिर आप फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को देखते हैं या फिर कोई भी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज को या फिर किसी भी की भी इंस्टाग्राम स्टोरी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो कोई वीडियो ऐसी मिल जाती है जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी मिल जाती है तो आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, व्हाट्सअप का स्टेटस होता है आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबको आपको अलग अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज करना है इस वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी फ्रेंड। सो फ्रेंड, मैं हूँ देवेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है एज सेवर, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एस सेवर लिखेंगे तो सबसे टॉप पर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल सकती है फ्रेंड, और इसका आइकन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं इस एप्लीकेशन की रेटिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे फ्रेंड 5 स्टार जो है कि रेटिंग दी गई है। और फ्रेंड, ये आपको कैसा लगता है आप इसे यहाँ से रेट भी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन को मैं यूज कर रहा हूँ फ्रेंड, ये एप्लीकेशन काफ़ी इजी और सिंपल है, और आप सबसे अच्छी बात इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और क्या क्या मिलता है चलिए आपको दिखाते हैं। सिंपली इसको आपको ओपन करना है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपसे परमिशन मांगा जाएगा, बस ज़्यादा इसमें परमिशन नहीं है फ्रेंड, बस स्टोरेज की परमिशन है, आपको उसे ग्रांट कर देना है। सो फ्रेंड, ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट का, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऐप मोड मिल जाते हैं, ठीक है, आप इसे डार्क मोड में भी यूज कर सकते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड। आपको फेसबुक की जिस वीडियो को भी डाउनलोड करना होता है, ठीक है, आप उसे देख रहे होते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर की तरफ एक 3 डॉट मिल जाता है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कॉपी लिंक का, आपको इस लिंक कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी लिंक को कॉपी कर लेना है और उस लिंक को आपको इस एप्लीकेशन में आकर पेस्ट कर देना होता है, उस लिंक को आपको इस एप्लीकेशन में आकर पेस्ट कर देना होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली से पेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और वो जो वीडियो होगी फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, आपको उस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे वो वीडियो आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और फ्रेंड आपके इस गैलरी में सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की वीडियो की। सो फ्रेंड, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, हमारा यूज़र आईडी है devendr77, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो सपोज़ कीजिए कि आप कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो आपको देख रहे हैं, ठीक है, कोई वीडियो आप देख रहे हैं, आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई इंस्टाग्राम पे ऐसे एक्सप्लोर करते करते एक वीडियो आ जाती है, ठीक है, जैसे ये वीडियो कॉमेडी वीडियो है, ठीक है, अब अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पर भी एक वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, आपको इसको 3 डॉट पर, यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है फ्रेंड यहाँ पर देखिए, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉपी लिंक का, ठीक है, आपको इस कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो लिंक होगा वो कॉपी हो जाएगा और लिंक कॉपी करने के बाद आपको वापस से उस आपके जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एस सेवर, आपको इस एप्लीकेशन में आकर यहाँ पर पेस्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है आपको सिंपली पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पर आप टैप करके इसे ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड और उस वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वीडियो है यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर डाउनलोड वाले पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी और आप उसे ईजिली किसी को भी शेयर कर पाओगे एज ए वीडियो। तो फ्रेंड, और इंस्टाग्राम में ही एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रील का, ठीक है, अगर आपको रील्स वीडियो को भी डाउनलोड करना है तो सेम प्रोसेस है फ्रेंड, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्टाग्राम रील वीडियो को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर लिंक को ऐसे कॉपी कीजिए और उसके बाद वहाँ यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे तो हो गया फ्रेंड, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स वीडियो या फिर कोई भी वीडियो को आपका उसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर इसको ले आकर पेस्ट कर देना है तो आपकी वो जो वीडियो होगी यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। और फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके बेसिक फीचर की जो काफ़ी यूनिक है फ्रेंड, क्योंकि
आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन कुछ लोग अब चाहते हैं कि WhatsApp का स्टेटस भी मिल जाए। तो यहाँ पर आप WhatsApp का सेक्शन मिल जाता है, अगर आपके WhatsApp पे कोई स्टेटस लगा होगा तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ यहाँ पर उसे ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। मैं फ़िलहाल में WhatsApp का जो ओरिजिनल है उसे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। WhatsApp बिजनेस आप यूज करते हैं तो WhatsApp बिजनेस का भी स्टेटस यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑल ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप TikTok, MX टकाटक, रोपोजो, जोस और भी जैसे स्नैक्स वीडियो, इन सब वीडियो का आप वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और थर्ड वाला फीचर फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाटरमार्क जो आता है वो नहीं आएगा। और थर्ड वाला फीचर की बात करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लॉगिन स्टोरेज एंड वीडियो का। फ्रेंड ये ऑप्शन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके अकाउंट प्राइवेट है, ठीक है। वो अपनी स्टोरी को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। लेकिन आप यहाँ पर अगर अपनी आईडी को इसमें लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये इसमें आपको इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी भी मिल जाती है, आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो इसकी पॉलिसी अच्छी है फ्रेंड, आप यहाँ से अपने आईडी को इसमें लॉगिन करके आप अपनी स्टोरी को यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। सो फ्रेंड यही बस ऐप था, और ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी अच्छी है फ्रेंड, इसमें आपको ज़्यादा एड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो एप्लीकेशन है फ्रेंड ये केवल 7 MB का है, तो फ्रेंड आप इसे डेफिनेटली यूज करिएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।